नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मुझे सुफातार के फरजान अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे सी प्लस दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स सिस्काई टीएलएस और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद अफरा कलेक्शन के पीछे चौक बाजार नांदेड़। टायर हाउस होलसेल टायर डीलर जेके टायर अपोलो टायर सीए टायर और दूसरी कंपनियों के टायर हमारे पास मिलते हैं। इसके अलावा फार्म वॉशिंग और वेल अलाइनमेंट भी की जाती है। प्रोपराइटर शेख मुजाहिद बापना टी पॉइंट नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से वारकरी समाज की दांडी यात्रा का करबला में शानदार इस्तकबाल। हर साल की तरह इस साल भी जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के जानिब से वारकरी समाज की दांडी यात्रा का करबला में शानदार इस्तकबाल किया गया। वारकरी समाज की जानिब से हर साल दांडी निकाली जाती है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात से ये यात्रियां निकालकर पंढरपुर पहुंचती है। नांदेड़ ज़िला से भी दांडी यात्रा निकलती है। यात्रा के दौरान रास्तों में वाक़ दरगाहों और दिगर मजहबी मुकामात का दर्शन भी किया जाता है। इसी तरह खदीम शहर नांदेड़ के करबला कब्रस्तान इलाके में वाक़ हज़रत औलिया शाह बाबा की मज़ार की भी ज़ियारत की जाती है। ये सिलसिला पिछले 121 बरसों से जारी है। जमात इस्लामी हिंद के जानिब से हर साल इस दांडिया यात्रा का इस्तकबाल किया जाता है। इस मौके पर इनको नाश्ता कराया जाता है। जमात और वारकरी के लोग एक दूसरे को गले लगकर मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। इस्लामी इस डंडी का स्वागत करती है। कम से कम 10-12 साल से इसका स्वागत किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि सब एक इंसानियत से एक सद्भावना तहत जो है तो ज़िंदगी गुजारें, एक शांतता के साथ ज़िंदगी गुजारें। एक कौमी एकजहती हम यहाँ पर उसको दिखाना चाहते हैं। आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा दिखाना चाहते हैं कि वो लोग आते हैं तो उनको हम जमात की तरफ से जो तो फरारा दिया जाता है, पानी दिया जाता है, केड़ी वगैरह दिया जाती है और उनका विचार पे उनको विचार करने के लिए कुछ उनके सामने तकरीर वगैरह की जाती है। उनको समझाया जाता है कि अभी हमको किस तरीके से रहना चाहिए। हम देश में रहते हैं मगर अगर किसी घर में आग लगी है तो हम उसको देखकर अगर चुप नहीं बैठते, उसको बुझाने के लिए सबके सब दौड़ते हैं। तो ऐसे ही अगर इस देश में समझो कोई गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है तो उसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये सब बुराई को ख़त्म की जाए और ये बुराइयाँ हैं ख़त्म हो। इस वजह से जमात इस्लामी जो है तो जो बुराई है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। और जमात इस्लामी ये काम अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से ये डेंडी का स्वागत कर रही है और 70 वर्षों से ये काम करती आ रही है कि बुराई को ख़त्म करना और अच्छाई की जो है तो फैलाना, ये कोशिश करती आ रही है जमात इस्लामी। और इसी वजह से ये प्रोग्राम रखा जाता है कि बुराई ख़त्म हो और अच्छाई आए। और हमारी मुहिम भी चल रही है 12 तारीख से लेके 21 तारीख तक हमारी मुहिम है। वो मुहिम के तहत भी हमारा इसमें ये प्रोग्राम आ गया है और उसको हमने उसको कवर कर लिया है। आप सभी से विनती है कि भाई जमात इस्लामी का जो पैगाम है कि इस्लाम बराए अमन शांति वगैरह ये सब जो है तो हमको ख्याल करना चाहिए, उसके ऊपर हमको अमल करना चाहिए। धन्यवाद आपसे। हमारे यहाँ शादी ब्याह और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वादे के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाए और ख़िदमत का मौका दीजिए। MA फारूक एंड ब्रदर मेटल सेंटर रूबरू मक्का मस्जिद MG रोड चौक बाजार नांदेड़।